हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है द क्रेजी अनबॉक्सर की एक और क्रेज वीडियो में। आज हम अनबॉक्स करने वाले इस कैप्टन अमेरिका के शील्ड को। ये शील्ड काफी इंटरेस्टिंग और काफी कमाल की है, क्योंकि भाई ये सिर्फ ना हमें गोलियां लगने से बचाती है बल्कि ये खुद गोलियों को भी फायर कर सकती है। क्यों भाई, है ना इंटरेस्टिंग? हाँ भाई, क्योंकि एक साथ दो दो काम कर सकती है। तो भाई ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो भाई चलिए सबसे पहले हम हमारी इस शील्ड को बॉक्स के बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं ये शील्ड हमें काफी बड़े बॉक्स में यहाँ पे मिलती है। बॉक्स के ऊपर हमें इसका यहाँ पे नाम भी लिखा हुआ है, जो कि है कैटापुल्ट, ऐसा कुछ तभी नाम है। अब वो समझ में नहीं आ रहा है भाई, यहाँ पे इसके ऊपर भी छोटे इसमें लिखा हुआ है, इसके वजह से नाम नहीं समझ में आ रहा है। वन बटन लॉन्च कूल एंड फन, 14+ एजेस बच्चों के लिए है। आप देख सकते हैं हमें कुछ ऐसा इसके बॉक्स के ऊपर काफी सारी चीजें मिलती है, और भाई ये रिचार्जेबल बैटरी के साथ भी आती है। और यहाँ पे हमें क्या क्या एक्सेसरीज है वो मिलती है, पर मुझे नहीं लगता इसके साथ हमें इतनी सारी चीजें मिली होगी, तो चलिए वो भी देखेंगे इसके साथ हमें क्या क्या मिला है। सामने के साइड काफी बड़ा सा एक कैप्टन अमेरिका का फोटो भी मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और भाई यहाँ पे इसे कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें दी हुई है। इधर के साइड में हमें सेम चीजें ही मिलती है, इसे कैसे यूज करते हैं वो सारी चीजें। तो भाई इस बॉक्स को रखते हैं साइड में, आप देख सकते हैं हमें हमारी शील्ड यहाँ पे देखने को मिलती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें हमारी शील्ड मिलती है, और इसके साथ हमें एक चार्जिंग केबल मिलती है, एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है, और यहाँ पे चार बुलेट्स के पैकेट मिलते हैं। तो भाई मैंने तो आपको बताया नहीं कि इसके अंदर हमें कौन से बुलेट्स मिलते हैं। तो इसके अंदर हमें वाटर बुलेट्स मिलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें इसके कुछ ऐसे चार पैकेट मिलते हैं। वैसे मैंने इसके आपको प्राइस भी नहीं बताई, तो ये गन को मैंने खरीदा है 1100 रुपीज में। तो अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो इसकी बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो भाई आप देख सकते हैं हमें गन के साथ इतनी ही चीजें मिलती है। अब ये स्क्रू ड्राइवर क्यों मिलता है, इसका काम काफी इंटरेस्टिंग है, तो वो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें हमारी शील्ड देखने में कुछ ऐसे मिलती है। ये ऊपर से देखने में पूरी यहाँ पे कैप्टन अमेरिका के शील्ड जैसी ही दिखती है, पर भाई नीचे के साइड इन्होंने इसके अंदर गन जैसा मैकेनिज्म फिक्स किया हुआ है, तो हमारी शील्ड यहाँ से कुछ गोलियों को फायर कर सकती है। अगर हम इसकी मटेरियल की बात करें तो ये पूरी शील्ड यहाँ पे बनी हुई है प्लास्टिक की, पर भाई इसके अंदर काफी अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे इन्होंने प्लास्टिक यूज किया हुआ है, जो कि इजिली ब्रेक तो नहीं होगा। और भाई इसका वेट भी मुझे काफी बड़ी यहाँ पे फील हो रहा है, और ये बना भी काफी सॉलिड तरीके से है। भाई ये देखने में काफी बढ़िया और काफी यूनिक भी लगा। हमने हमारे चैनल पर गन तो काफी बार अनबॉक्स की, जेल ब्लास्टर गन भी अनबॉक्स की, पर ऐसी कुछ चीज हमने पहली बार ही अनबॉक्स की है, और मुझे ये काफी पसंद भी आया। और भाई ये शील्ड का काफी एक यूनिक फीचर है, आप जो ये ऊपर ब्लू कलर का बटन मिल देखते हैं, इसे अगर हम दबाएंगे तो हमारी शील्ड ओपन हो जाएगी कुछ ऐसे। भाई ये देखने में काफी कूल लगा। और भाई उसके बाद हमारे शील्ड का ये जो गन जैसा गन वाला मैकेनिज्म है वो कुछ ऐसा ओपन हो जाता है, और अगर आपको ये जो फ्लैप्स ओपन हुए इसके इसको बंद करना होगा तो पीछे के साइड हमें इसके अंदर कुछ ऐसा लीवर मिलता है। हम इसे इधर के साइड स्लाइड करेंगे तो हमारी यहाँ पे ये शील्ड फिर से बंद हो जाएंगी और ये लॉक हो जाएगी, और फिर से बटन दबाएंगे तो ये खुल जाएंगी। तो चलिए भाई इसे हम बंद ही रखते हैं। भाई ये शील्ड के नीचे के साइड हमें इसके अंदर यहाँ पे बैटरी कंपार्टमेंट मिलता है, और हमें यहाँ पे इसका कुछ ऐसा ट्रिगर भी मिलता है। भाई यहाँ पे हमें इसका बैटरी कंपार्टमेंट और यहाँ पे हमें इसका ऑन ऑफ बटन मिलता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए भाई इसके इसके साथ तो हमें कोई बैटरी तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर तो नहीं मिली, तो शायद से इसके अंदर ही हमें बैटरी दी होगी। तो हाँ भाई आप देख सकते हैं इन्होंने इसके अंदर ही कुछ ऐसे बैटरी यहाँ पे पहले से इंस्टॉल करके दी हुई है। हमें यह बैटरी यहाँ पे 7.4 वोल्ट की 3.7 वैट की हमें यह बैटरी मिलती है। भाई 500 mAh की हमें यह बैटरी मिलती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा भी हुआ है। और भाई इस बैटरी को अगर चार्ज करना होगा तो हमें कुछ ऐसे इस कपलर से इसे निकालना होगा, और फिर हम इसे इस चार्जिंग केबल में ऐसे कुछ यहाँ पे लगा लेंगे, और इसे हम हमारे चार्जर पे या फिर लैपटॉप किसी भी चीज़ पर लगाकर चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए भाई पहले सब फिर से हमें इस बैटरी को इसमें ही इंस्टॉल कर देते हैं, क्योंकि हमें यह चार्ज मिलती है।
तो हाँ भाई, हमारी बैटरी यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, तो चलिए इसके ढक्कन को भी हम यहाँ पे बंद कर लेते हैं। हाँ भाई, और चलिए यहाँ पे हम इसे भी ऑन कर लेते हैं। तो जैसे हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमारी गन ये शील्ड चालू हो चुकी है, और आप देख सकते हैं ये भाई फायर करते टाइम काफी अच्छी यहाँ पे आवाज भी प्रोड्यूस कर रही है, आप देख सकते हैं भाई, सुनने में पूरे ओरिजिनल गन जैसा ही लग रहा है। और यहाँ पे हमें इसके अंदर से अपने हाथ में हम इसे ऐसा कुछ यहाँ पे टाइट कर सकते हैं, और ऐसे कुछ हम इसे हाथ में पकड़कर ऐसे कुछ यहाँ पे फायर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं भाई, ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है। और हम इसे ऐसे कुछ ओपन कर कर भी, भाई क्या हो गया इसे, हाँ ओपन हो गया, तो भाई इसे हम ऐसे भी ओपन कर कर फायर कर सकते हैं। भाई इसका आवाज ही मुझे काफी बढ़िया लग रहा है भाई। और अगर आपको ये स्ट्रैप हो नहीं रही होगी, छोटी हो रही होगी, तब हमें ये स्क्रू ड्राइवर को यूज करना होता है, इसे हम कुछ ऐसे खोल सकते हैं। तो भाई अगर हम इस दोनों रेड वाले पार्ट को स्क्रू ड्राइवर से थोड़ा थोड़ा लूज करेंगे तो हमारी स्ट्रैप भी यहाँ पे लूज हो जाएंगी, पर भाई ये ज्यादा नहीं होती है, थोड़ी सी ही लूज होती है। तो भाई इसे हमें कुछ ऐसा ही पहनना होता है, और भाई और फिर हम इससे कुछ ऐसे गोलियों को फायर कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और हाँ भाई, एक चीज हमें इसके अंदर काफी बढ़िया और एक मिलती है, जो कि इसके अंदर हमें पे लाइट्स मिलते हैं। तो जैसे हम इसके ट्रिगर को दबाएंगे इसे फायर करने के लिए, तो यहाँ पे लाइट जलते हैं, आप यहाँ पे देखिए भाई, इसके अंदर कुछ ऐसे लाइट भी जलते हैं भाई, ये इसको देखने में काफी कूल इफेक्ट भी देते हैं, और ये शील्ड को काफी बढ़िया और काफी यूनिक भी बनाते तो हैं। भाई तो इसके अंदर हमें वाटर बुलेट्स मिलते हैं भाई, इसके अंदर हमें बुलेट्स को डालने के लिए ऊपर के साइड में यहाँ पे कुछ ऐसे जगह मिलती है, इसके अंदर हमें कुछ ऐसे बुलेट्स को डालना होता है, और ये लॉक भी होता है, पर इसका जो लॉक है यहाँ पे टूट गया है, आप देख सकते हैं, पर कोई बात नहीं भाई। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर बुलेट्स को डाल लेते हैं। तो भाई इसके अंदर हमें कुछ ऐसे वाटर बुलेट्स को डालना होता है, आप देख सकते हैं, ये हमें पानी में भिगो कर रखने होते हैं 4 से 5 घंटे के लिए, ये एक पाउच को, उसके बाद हमारी बुलेट्स कुछ ऐसे फूल के हो जाती है। तो चलिए सबसे पहले हम इसके अंदर बुलेट्स को डाल देते हैं, जगह फिल किया। हाँ तो भाई इसके अंदर हमने थोड़े बहुत बुलेट्स को यहाँ पे डाल दिया है। तो भाई ये बुलेट्स को चलिए सबसे पहले हम इसे हाथ में यहाँ पे पहन लेते हैं। तो भाई इसमें इसे हाथ में पहनना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल मुझे लगा भाई, ये स्ट्रैप काफी यहाँ पे हमें टाइट मिलती है, उसके वजह से इसमें हाथ हाथ में पहनने के लिए थोड़ा यहाँ पे दिक्कत तो होती है। चलिए अभी हम इसे फायर करके देखते हैं, भाई आप देख सकते हैं ये गोलियों को काफी तेज फायर कर रही है। हाँ भाई, ये देखने में मुझे काफी बढ़िया लगा। और भाई अगर आप किसी से इसके साथ खेल रहे हो तो इससे आने वाले गोलियों को भी आप ऐसे कुछ बचा सकते हैं अपने आप को, इसके ऊपर गोलियां लग के रिट्राइव हो जाएगी। तो भाई ये शील्ड एक साथ दो काम कर सकती है, तो हम इसे शील्ड प्लस गन भी कह सकते हैं। हाँ भाई, कह तो सकते हैं, क्योंकि भाई ये काफी यूनिक चीज है। तो भाई ये देखने में मुझे काफी बढ़िया लग रही है, और हाँ भाई इसका वेट भी काफी अच्छा है, और क्वालिटी भी यहाँ पे काफी अच्छी मिलती है। और एक चीज भाई, यहाँ पे इसके अंदर हमें जो बुलेट्स मिलते हैं वाटर वाले, वो किसी के ऊपर आप फायर भी करेंगे तो भाई उसको ये बुलेट लगेंगे नहीं, क्योंकि भाई ये सामने वालों को लगने के बाद कुछ ऐसे हो जाते हैं, मतलब फूट जाते हैं, तो इससे किसी को इंजुरी तो होने ही नहीं वाली है भाई, ये काफी सॉफ्ट है, तो आप इससे किसी को भी मार सकते हैं और किसी के साथ भी खेल सकते हैं कुछ ऐसे, आप देख सकते हैं भाई ये मुझे काफी बढ़िया लग रहा है। तो भाई चलिए अब बारी है इसको टेस्ट करने की, तो चलिए फटाक से इसे टेस्ट करते हैं।
तो भाई आपने देखा कि मैंने इसको काफी अच्छे से टेस्ट किया और भाई इसकी पावर भी मुझे काफी बढ़िया लगी और एक काफी बढ़िया ये चीज भी मुझे लगी। पर भाई इसके अंदर मुझे एक ही चीज यहाँ पे खराब लगी, जो इसकी नीचे वाली स्ट्रैप। भाई हमें ये काफी टाइट मिलती है, तो इसे हम हमारे हाथ में इजिली तो पहन नहीं सकते हैं। अगर किसका हाथ थोड़ा सा पतला होगा या फिर छोटे बच्चों के हाथ में तो ये इजिली चल जाएगा, पर बड़े हाथ में ये आराम से नहीं जा सकता। इसे पहनने में थोड़ी तो हमें मुश्किल होती है। अगर स्ट्रैप ये थोड़ी बड़ी दे देते या फिर थोड़ी लूज दे देते तो ये काफी बढ़िया चीज होगी। वैसे ये देखने में काफी बढ़िया लग रहा है और भाई हाथ में काफी एक अच्छी चीज भी मुझे फील हो रही है। आप देख सकते हैं भाई, ये मुझे काफी पसंद आया और इस प्राइस में ये काफी बढ़िया चीज भी मुझे लगी। तो भाई अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इसे खरीद सकते हो। आपको इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो भाई आपको ये कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताना, और यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और भाई चैनल को अब तक तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा मुझे पता है, तो भाई जाइए सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए भाई मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट और उसकी अनबॉक्सिंग के साथ। थैंक यू वेरी मच।